हमारा आज का रेसिपी है बैंगन भरता। आज मैं आपको इजी स्टेप में बताऊंगी किस तरीके से बनाना है बैंगन भरता। हम इसे इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फिल कर लिया। हमारे घर में बैंगन का छिलका पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसे फिल कर लिया। अगर आपके घर में पसंद करते हैं तो आप इसका छिलका ना छीलें और डायरेक्ट इस तरीके से कट कर लें और इसे बीच से भी कट कर लें और इस तरीके से स्लाइसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें इस तरीके से। कभी भी बैंगन को काटते हैं तो पानी में ही डाल के काटते हैं। तो ये ऐसे मैंने बाकी के बैंगन को कट करके रखी है और मैं आपको सिर्फ एक बैंगन काट के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से काट ले, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है, जल्दी से कट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता काटने में। ये देखिए सभी को मैंने तकरीबन मैंने हाफ के जी बैंगन लिया 500 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये देखें, चलिए फिर आप हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हो। हम इसे गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज चॉप कर लिया, वो ऐड कर देंगे। ऐसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का पिंक हो चुका है। हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और इसे 2 मिनट डालेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। एक मिनट हो चुका है, अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। ये मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया, 2 मीडियम टमाटर और इसे भी कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको कर लेंगे मिक्स और अच्छे से इन्हें पका लेंगे टमाटर एकदम सॉफ्ट होने तक। इसे हम ढककर पका लेंगे 5 मिनट। चलिए खोल के देख लेते हैं, हमारा 5 मिनट हो चुका है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और आप ये पानी ना डालें। ये देखिए ये मस्त लगभग ये हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बैंगन। देखिए मैंने इसे वॉश करके प्लेट में निकाल लिया था। मैंने हाफ ऐड किया, अब हम इसे करेंगे मिक्स। उसके बाद फिर ऊपर से हाफ ऐड कर लेंगे।
हमारा बैंगन पानी छोड़े गई, इसलिए हमने पानी ऐड नहीं किया। बाकी के भी डाल देंगे। इसे करेंगे मिक्स। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे बैंगन में, और उसके बाद इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारा बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे ऑफ लो टू मीडियम पे छोड़ दूंगी 5 मिनट के बाद, देखते हैं। चलिए खोल के देख लेते हैं। हमारा 5 मिनट हो चुका है, अभी हमारा बैंगन गला नहीं है अच्छे तरीके से, तो अभी हम इसे ढक के लो फ्लेम पे थोड़ी देर और रख देंगे, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक हमारा बैंगन अच्छे तरीके से गल के एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता और मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे। अभी हम इसे ढक के और पकाएंगे। अभी हमारा बैंगन कच्चा है, तो चलिए 5 मिनट बाद फिर देखते हैं। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। हमारा 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ऑयल भी छोड़ दिया। मैंने इसे लो टू मीडियम रखा है, इस तरीके से तोड़ तोड़ के दबा दबा के तैयार कर लें। चलिए इसे थोड़ी देर और ढक के पका लेते हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है, तो चले अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। 2 मिनट हो चुका, ये लगभग तैयार है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 3 हरी मिर्च ले लिए, इसे मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता इसे ऐड कर दूँगी, और लास्ट में इसमें डालेंगे गरम मसाला, बिल्कुल 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये होममेड है। चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा बैंगन गल चुका है, और ये भरता बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा ऑयल छोड़ दे, और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बैंगन का भरता गर्मा गर्म बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया आया है। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है, और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।